हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टॉप 7 मूवीज यू कैन इजीली वॉच ऑन नेटफ्लिक्स। तो भाई इस वीडियो में एक से एक मूवीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और अगर आपको नेटफ्लिक्स पर कोई अच्छी मूवी देखनी है तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मूवी की अलग ही लेवल पर स्टोरी लाइन जाती है जिसे देखकर आपको भी सच में मजा तो बहुत आएगा यार। तो बस भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। तो चलिए अपन चालू करते हैं शानदार वीडियो को। तो भाई नंबर 7 पर आ रही है लकीएस्ट गर्ल अलाइव। तो भाई इस मूवी की स्टोरी में हमें एक लड़की स्टार्टिंग में दिखाई जाती है जो न्यूयॉर्क शहर में रह रही होती है और उसको कोई भी चीज़ की कभी भी दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा अमीर होती है और तो और उसकी लाइफ एकदम स्मूथली कट सकती है, मगर एक बहुत बड़ा ट्रॉमा उसको हर दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। अब वो ट्रॉमा क्या है और क्या उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है, वही आपको इस मूवी को देखने के बाद जानना पड़ेगा। भाई सच बताऊँ तो ये मूवी आपको इमोशनली अच्छे से कनेक्ट कर लेगी और आप भी थोड़ा बहुत रिलेट करने लगोगे कि हाँ भाई इस सिचुएशन में तो इंसान यही करेगा। और ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और ये आपको इजीली नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिल जाएगी। People want to know, were you a hero or an accomplice? तो चलिए भाई अब बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ जिसका नाम है द ओल्ड गार्ड। तो भाई इस मूवी की कहानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसके अंदर हमें स्टार्टिंग में इंसान दिखाए जाते हैं जो लिटरली अमर होते हैं और तो और वो बहुत टाइम से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं और तो और इंसानों की हमेशा मदद करते हैं। इन पर कई ज़्यादा वार भी हुए होते हैं और तो और इन पर गोली भी चलाई जा चुकी है, मगर उस चीज़ से इन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और इन्हीं सब के बीच में हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जो कंपनी इन सारे सुपर ह्यूमंस पर नज़र रखी हुई होती है, क्योंकि उस कंपनी को उनका DNA चाहिए होता है खुद भी अमर बनने के लिए। अब वो कंपनी का ओनर किस किस हद तक जा सकता है वो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही जानना पड़ेगा। भाई अगर मैं सच बताऊं तो ये मूवी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग लग सकती है, मगर बाद में भाई ये आपको जो पकड़ के चलेगी ना, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई ये मूवी कब खत्म हो गई। और तो इसका कॉन्सेप्ट भी मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगा, इसीलिए मैंने इस मूवी को इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और ये आपको इजीली नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिल जाएगी। Throughout history, we've protected this world, fighting in the shadows. तो चलिए बढ़ते हैं भाई नंबर 5 की तरफ और नंबर 5 पर एक मूवी आ रही है जिसका नाम है मीरा। तो भाई इस मूवी की स्टोरी हमें कुछ ऐसी दिखाई गई है कि हमें स्टार्टिंग में एस्ट्रोनॉट का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि स्पेस में ऐसे ही रिसर्च कर रहे होते हैं कि कहीं कुछ हलचल हुई है क्या, और तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि एक एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, मगर इनकी कैलकुलेशंस के अनुसार वो एस्ट्रॉयड अर्थ को हिट नहीं करने वाला और इन्होंने ये सारी बातें पूरे दुनिया वालों को बता दी है। वो एस्ट्रॉयड और उसके साथ बहुत सारे कॉमेट्स भी अर्थ के ऊपर गिरना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबको मालूम पड़ जाता है कि अब हम लोग मरने वाले हैं। जैसे ही एस्ट्रॉयड टकराने वाला होता है उसके पहले से ही बहुत सारी तबाही होना चालू हो जाती है। और इन्हीं सब के बीच में एक लड़की हमें दिखाई जाती है जिसका फादर भी एस्ट्रोनॉट होता है और वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है इस पूरे मूवी के दौरान। अब क्या उसका फादर उसकी बेटी को बचा पाएगा या फिर उसका फादर भी उसकी बेटी के साथ मारा जाएगा, वो आपको इस मूवी के अंदर अच्छे से दिखाया जाएगा। भाई मैं सच बताऊँ तो इसके अंदर आपको डिस्ट्रक्टिव लेवल पर चीज़ें देखने मिलेंगी जिसे देखने में भाई सच में आपको बहुत एडवेंचरस फील होगा और मज़ा आएगा। मैं तो पर्सनली नहीं चाहूँगा कि आप लोग इस मूवी को बिल्कुल भी मिस करें। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये आपको इजीली नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए भाई इसी के साथ बढ़ते हैं अब नंबर 4 की तरफ जिसकी कहानी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे और उस मूवी का नाम है इंटरसेप्टर। तो भाई मूवी की कहानी कुछ ऐसी होती है कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में एक इंटरसेप्टर दिखाया जाता है जहां पर मिसाइल्स का काम होता है और तो और यहां पर एक नई मिलिट्री की मेंबर आई होती है जिसके जॉब का फर्स्ट डे होता है और तो और इसकी किस्मत इतनी ख़राब होती है कि फर्स्ट डे पर यहां पर बहुत भयानक टेररिस्ट अटैक हो जाता है और तो और वो लोग इंटरसेप्टर का पूरा कब्जा अपने अंडर लेने आए होते हैं। अब क्या ये लड़की इतनी ट्रेंड है कि वो उन सारे टेररिस्ट को मार दे या फिर वो टेररिस्ट इजीली इंटरसेप्टर पर कब्जा कर लेंगे, वो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही जानना पड़ेगा। भाई इसके अंदर के एक्शन सीन्स आपको भी चिल्स दे देंगे और तो और आप भी बिल्कुल भी अपनी नज़रें स्क्रीन से हटा नहीं पाओगे। और भाई ये वाली मूवी भी 2022 में रिलीज हुई थी, इजीली आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए भाई अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ और नंबर 3 पर आ रही है ग्लास ऑनियन। तो भाई इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि हमें
एक बहुत ही बिलियनर बंदा स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो अपने सारे अमीर दोस्तों को बहुत बड़ी पार्टी देने जा रहा होता है एक बड़े से आइलैंड में। मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, जो बंदा पार्टी दे रहा होता है यानी कि जो सबसे ज़्यादा बिलियनर बंदा होता है उसका ही कोई मर्डर कर देता है उसी पार्टी के अंदर। उसने सिर्फ अपने जान पहचान वालों को ही बुलाया था। अब उनमें से किस बंदे ने उसका मर्डर किया है वो सब देखने आता है एक डिटेक्टिव। अब क्या वो डिटेक्टिव उस मर्डरर को पकड़ पाएगा या फिर उस असली मर्डरर की जगह कोई और फंस जाएगा, वो आपको इस मूवी के अंदर ही देखने मिलेगा। भाई सच बताऊं तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको मूवी के अंदर देखने मिलेंगे, जिसे देखकर आपके भी मन में हमेशा एक सवाल रहेगा कि भाई आखिर इसका मर्डर किया किसने और अगर किया तो उसकी वजह क्या थी। ये मूवी भी 2022 को ही रिलीज हुई थी और इजीली आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो भाई चलिए अब नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और नंबर 2 पर आ रही है द प्लेटफॉर्म। तो भाई इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी होती है कि हमें स्टार्टिंग में एक बंदा दिखाया जाता है जो अचानक से एक बिल्डिंग में उठता है और तो और जैसे ही वो अपने नीचे देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और ऊपर देखता है तो वहाँ पर भी बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और तो और यहाँ पर बीच में हमेशा एक डाइनिंग टेबल ऊपर से नीचे आती रहती है। यानी कि इसमें आपको पूरी तरह से सर्वाइवल गेम दिखाया गया है। अगर आपका नंबर नीचे वाले फ्लोर पर लग गया तो आपको खाना नहीं मिलेगा और उसके लिए आपको बहुत अलग अलग हद पार करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि उसी फ्लोर पे आपके साथ एक आपका साथीदार भी होगा। और भाई सच बता रहा हूँ इस मूवी में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल जाने लगती है, यहाँ तक कि इंसान ही इंसान को खा रहा है ऐसे टाइप के भी सीन्स आपको दिखाए जाएंगे। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो आपको इस मूवी को अवॉइड करना चाहिए, बट अगर आपके पास जिगरा है तो आप इस मूवी को ईजिली देख लोगे। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये भी आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिल जाएगी। Obviously, it was a person. तो भाई चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की नंबर 1 मूवी की तरफ जिसका नाम है एटलास। तो भाई इस मूवी की कहानी में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थ को ही अब इन्वेड करना चालू कर चुका है, यानी कि अब इंसान वर्सेस एआई वाली सिचुएशन बन चुकी है। और तो और ये एआई कोई नॉर्मल एआई नहीं, पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा स्मार्ट एआई होता है, यहाँ तक कि ये दूसरे प्लैनेट्स पर भी जा सकता है अपने मर्जी से। और जब ये इंसानों पर खतरा बनता है तब सबसे ज्यादा मजा आता है भाई, क्योंकि इंसान अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद हार रहे होते हैं इस अकेले एआई से। अब ये लोग अर्थ को इन्वेड करने से कैसे रोकेंगे वही आपको इस मूवी के अंदर की कहानी में बताया जाएगा। भाई मूवी के अंदर के विजुअल्स बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं, इसीलिए मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप लोग इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस ना करें। मूवी के हाफ पार्ट तक आपको थोड़ा बहुत बोरिंग सा फील हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन देखना है तो। तो भाई ये मूवी रिलीज हुई है 2024 में और ये आपको इजीली नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो बस दोस्तों यही था टॉप 7 मूवीज यू शुड वॉच अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। तो भाई अगर आपको इस लिस्ट में से कोई भी नई मूवी मालूम पड़ी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।